दोस्तों, कुछ किस्से कुछ बातें इतनी हैरान करने वाली होती हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल होता है। लेकिन इंसानी हिस्ट्री ऐसे भयंकर मगर सच्चे किस्सों से भरी पड़ी है जिसको सुनकर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएं। आज की वीडियो में हम आपको हिस्ट्री के ऐसे ही पांच सच्चे मगर चौंका देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी होगी। पंद्रहवीं और सोलहवीं सदी को इटालियन रेनासेंस का पीरियड कहा जाता है। ये वो जमाना था जब इटली का कलर और आर्ट्स पूरे यूरोप बल्कि पूरे वेस्टर्न दुनिया पे छाया हुआ था। लियोनार्डो द विंची, माइकल एंजेलो इसी इटालियन रेनासेंस के दौरान पैदा हुए और पूरी दुनिया को ऐसा मास्टर क्लास आर्टवर्क दिया जो इससे पहले इंसानों ने कभी नहीं देखा। लेकिन इसी 200 साल के दौरान एक बहुत ही भयानक वाकया हुआ। 1494 में यूरोप में एक ऐसी बीमारी फैल गई जिसने लोगों को रियल लाइफ ज़ॉम्बीज बना दिया। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें आदमी के सर और चेहरे से सारा मांस धीरे धीरे उतर जाता था। जरा सोचे कि हर तरफ आपको ऐसे लोग नजर आते थे जिसने किसी की नाक नहीं थी, किसी का कान नहीं था और किसी का तो पूरे चेहरे से मांस ही गायब हो चुका था। उस जमाने में फ्रांस और इटली में यह नजारा बहुत आम था। अगर आप उस जमाने में यूरोप जाते तो ऐसा लगता कि जैसे हर तरफ हॉरर मूवीज वाले ज़ॉम्बीज फिर रहे हैं। इस बीमारी का नाम सिफिलिस और ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। उस टाइम पर एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं हुए थे और इसीलिए सिफिलिस एक जानलेवा बीमारी थी। ये बीमारी सबसे ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स में पाई जाती थी और इसीलिए 16वीं शताब्दी के बाद इंग्लैंड और यूरोप में प्रोस्टिट्यूशन को सख्ती से रेगुलाइज करना शुरू कर दिया गया। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये डिवाइन पनिशमेंट थी उस बेहूदगी पर जो उस टाइम यूरोप में फैली हुई थी। खैर, 1606 में पहली बार इस बीमारी का एंटीडोट डिस्कवर हुआ और फाइनली इंसानों को इस बीमारी और इस सिस्टम से निजात मिल गई। दूसरी कहानी है हेनरी हॉलवर्ड्स होम्स की, जिसे हम H.H. होम्स के नाम से भी जानते हैं और ये अमेरिका के पहले और बदनाम सीरियल किलर्स में से एक है। होम्स पर तकरीबन 200 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है। होम्स 1861 में न्यू हैम्पशायर में पैदा हुआ और कहा जाता है कि उसे बचपन से ही स्केलेटन और मौत से एक अजीब सा ऑब्सेशन था। स्टूडेंट लाइफ में होम्स काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट था और उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से मेडिकल डिग्री में ग्रेजुएट किया और फिर 1886 में शिकागो में ऐसा फार्मेसिस्ट जॉब शुरू की। कुछ ही सालों में उसने इस फार्मेसी को ही खरीद लिया और फिर उसने आने वाले पैसों से 1890 में शिकागो में एक होटल खोला जहां पर वो एक घिनौने खेल खेलने जा रहा था। इस होटल को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसके सारे दरवाजे सिर्फ बाहर से ही खुल सकते थे और एक और अजीब बात यह थी कि इस होटल में कोई भी खिड़की नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ से फरार होना या भागना तकरीबन नामुमकिन था। सारे कमरे साउंड प्रूफ थे और हर कमरे के नीचे एक बेसमेंट था जहाँ पर मरने वालों की बॉडीज को डंप किया जाता था। इस होटल के कंस्ट्रक्शन के दरमियान होम्स ने बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया और फिर उन्हें निकाल दिया, फिर नए वर्कर्स रखे ताकि किसी को भी क्लियर आइडिया ना हो कि वो क्या करने जा रहा है। ये होटल बाद में मदर कैसल के नाम से मशहूर हुआ। इस घिनौने खेल का आगाज हुआ 1893 में। असल में 1893 में शिकागो में एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होना था जिसमें पूरे अमेरिका से बड़ी तादाद में लोगों और खासकर यंग लड़कियों को आना था। होम्स ने बड़े बड़े अखबारों में अपने होटल के एड्स छपवाए ताकि आने वाले टूरिस्ट उसको रेट आउट कर सकें और बहुत सारे टूरिस्ट ने इस होटल के कमरे बुक करवाए। लेकिन इस होटल में आने वाला कोई भी टूरिस्ट जिंदा वापस नहीं जा सका। जब भी गायब होने वाले टूरिस्ट के रिश्तेदार या जानने वाले होटल पर आते तो होम्स उन्हें वो रजिस्टर दिखाता जहां पर उन सब टूरिस्ट का एग्जिट डेट होती। आहिस्ता आहिस्ता इस होटल के आसपास रहने वालों पड़ोसियों को ये बात खटकने लगी थी कि जो भी टूरिस्ट इस होटल में जाता है वो वापस बाहर कभी नहीं आता। तकरीबन 200 लोग इस तरीके से गायब हो गए थे। अब पुलिस को भी थोड़ा शक होना शुरू हो गया था कि कोई तो मसला है। फिर 1894 में तकरीबन 15 साल होम्स का पीछा करने के बाद आखिरकार पुलिस ने होम्स को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया। उसके मुताबिक लोगों की हत्या करना उसका एक पैशन था जिसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर 1896 में 200 लोगों को बेदर्दी से मारने के इल्जाम में होम्स को फांसी दे दी गई।
अगर ये कहानी आपके लिए खौफनाक थी तो अगला वाक्या शायद आपके होश उड़ा दे। सिर्फ 32 साल की उम्र में आधी से ज्यादा दुनिया को कॉन्कर करने वाले सिकंदर द ग्रेट यानी सिकंदर को कौन नहीं जानता। सिकंदर की मौत हमेशा से हिस्टोरियंस के लिए एक मिस्ट्री रही। कोई कहता है कि उसे जहर दे दिया गया था, तो कोई कहता है कि उसे मलेरिया हुआ था, किसी के मुताबिक उसे टाइफाइड हुआ था जिससे उसकी मौत हो गई। एक रिसेंट रिसर्च के मुताबिक सिकंदर की मौत इनमें से किसी भी बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत तो हुई ही नहीं थी और उसे तो असल में जिंदा ही दफन किया गया था। ट्यूनेडियन स्कूल ऑफ मेडिसिन न्यूजीलैंड के डॉक्टर के मुताबिक भयानक डिस्कवरी की वजह है सिकंदर के सिस्टम और हिस्टोरिकल रैकेट्स। पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक 29 मई 323 BC को सिकंदर ने एक दावत का एहतराम किया और उसने उसमें खूब शराब पी। अगले ही दिन 30 मई को उसे तेज बुखार हो गया और उसके पूरे शरीर में दर्द शुरू हो गई। लेकिन सिकंदर को ये लगा कि शायद लंबे सफर की थकावट है और अगले भी दिन उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली और उसी दिन रात को सिकंदर को पैरालिसिस अटैक हो गया। डॉक्टर कैथरीन हॉल के मुताबिक सिकंदर को असल में गुइलेन बेयर सिंड्रोम नाम का ब्रेन डिसऑर्डर हुआ था, जिसमें आपके शरीर का इम्यून सिस्टम आप ही के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और उसका नतीजे में मरीज बिल्कुल पैरालिसिस होकर रह जाता है। ये पैरालिसिस इतना खतरनाक होता है कि मरीज की सांस बहुत ही धीरे हो जाती है और ये पता लगाना मुश्किल होता है कि आदमी जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि उस जमाने में डॉक्टर पल्स चेक नहीं करते थे बल्कि सांस के चलने या ना चलने से जिंदगी और मौत का फैसला करते थे। ये बीमारी आज भी हर 1,00,000 में से एक आदमी को होती है। तो डॉक्टर कैथरीन के मुताबिक सिकंदर की मौत की असल वजह थी स्यूडोथैनोस्ट, जिसे फॉल्स डायग्नोसिस ऑफ डेथ भी कहा जाता है। सिकंदर को असल में पैरालिसिस हुआ था, मगर जब उसके साथियों ने देखा कि कई दिन गुजरने के बावजूद उसके शरीर में कोई हरकत नहीं है, तो उन्होंने उसे मुर्दा समझा और जिंदा ही दफन कर दिया। दुनिया के सबसे ताकतवर जनरल को जब दफनाया गया तो वो मरा ही नहीं था, बल्कि शायद जिंदा था। चौथी कहानी है रोमन शहर पोम्पी की, जो किसी जमाने में इस जमीन की अजीम और तारीन सिविलाइजेशन में से एक, लेकिन ये शहर मशहूर है उस हादसे की वजह से जो 79 AD में हुआ था। जब अगस्त की एक दोपहर को ये पूरा शहर माउंट वेसुवियस से आने वाले लावे और राख में डूबकर तारीख में गुम हो गया। सिर्फ 12 घंटे में 16,000 के करीब लोग दम घुटने की वजह से मारे गए। पोम्पी के ये हादसे के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं, मगर पोम्पी से भी बहुत बड़ा अंजाम हुआ था उसके पड़ोसी शहर हर्कुलेनियम का। हर्कुलेनियम उस जमाने में अजीम और अमीर रोमन्स के लिए एक पिकनिक स्पॉट था, जहां पर वो जुए, शराब और प्रोस्टिट्यूशन के लिए टाइम गुजारने आते थे। पोम्पी से सिर्फ 11 मील दूर हर्कुलेनियम भी माउंट वेसुवियस से आने वाली वॉल्केनिक ऐश के नीचे डूब गया। मगर इससे भी ज्यादा भयानक चीज ये हुई कि हर्कुलेनियम एक सुपर हीटेड पायरोक्लास्टिक फ्लो का भी निशाना बन गया। पायरोक्लास्टिक फ्लो असल में उस गैस को कहते हैं जो वॉल्केनो के फटने से निकलती है। इसकी रफ्तार 450 मील तक के होती है। इसका टेम्परेचर तकरीबन 1000 डिग्री तक के होता है और ये गैस इतनी गर्म होती है कि इसके सामने आने वाली हर चीज चंद सेकंड में ही पिघल जाती। ऐसा ही कुछ हुआ हर्कुलेनियम में रहने वाले लोगों के साथ। इस गैस की वजह से चंद सेकंड में ही लोगों की स्किन लिटरली बॉइल हो गई और उनके दिमाग और खोपड़ियां फट गए। इतना खौफनाक मंजर शायद ही हिस्ट्री में कभी देखा गया होगा। पोम्पी और हर्कुलेनियम में मरने वालों में कई लोगों की बॉडीज 18 AD में डिस्कवर हुई। आज भी इन बॉडीज को देखकर ऐसा लगता है कि डिजास्टर आने का इनको कहीं से भी कोई अंदाजा नहीं हुआ। और आज का लास्ट कहानी है नानकिंग मैसराक। ये बात है 13 दिसंबर 1973 की, जब जापानीज आर्मी ने चीन के उस वक्त के कैपिटल नानकिंग पर कब्जा कर लिया। अगले 6 हफ्तों में लगभग 3,00,000 चाइनीज को बुरी तरीके से कत्ल किया गया। मरने वालों में बूढ़े, बच्चे और औरतें भी शामिल थे। इस इंसिडेंट को रेप ऑफ निंजिंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि मशहूर यह है कि जापानीज फौजियों ने मरने से पहले औरतों एवं बच्चों का भी रेप किया। यह इस कदर डिस्टर्बिंग और भयानक घटना है कि हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कभी कभी यकीन नहीं आता कि ताकत और इंतकाम के नशे में इंसान इस हद तक गिर जाता है। ये तो सिर्फ कुछ किस्से हैं जिन्हें हमने हिस्ट्री से चुना, और अभी तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं और राज हैं जिन पर से हमने पर्दा उठाना है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे विजिट करते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।